वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वॉम वेलकम टू इंफिनिटी लर्न ईड बाई श्री चैतन्य तो कॉन्जिक्यूटिवली बच्चों से मिल रही हूं आज का जो अभी का सेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन बींग कि आप को पता तो है कि हाँ मुझे नीच 2024 के लिए ड्रॉप लेना है मुझे ये साल बहुत अच्छे से व्यतीत करना है इस साल मैं पिछले साल से स्ट्रोंगर एग्ज़ाम को देने वाला हूँ पिछले ईयर से बेहतर मैं एग्ज़ाम अपना सॉल्व करूँगा लेकिन कैसे मैं अभी कैसे शुरुआत करूं और अभी भी अगर शुरुआत नहीं करिए बच्चों तो जाग जाओ दिस इज हाई टाइम नाउ अभी से ही शुरुआत कर देनी है आपने कि कैसे आप शुरुआत करें ताकि अपने एग्जाम में आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए लास्ट ईयर जो गलतियां करी है उनको बिल्कुल भी ना दोहराएं इस साल कैसे मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और एक एक दिन को मैं एक बेहतर रिजल्ट की डायरेक्शन में लगा सकता हूँ ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जूझते होंगे या आप ऐसे ही वे में डिसाइड मत करो कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है मैंने एक सेशन बनाया था बच्चों के लिए कि शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट उसको जरूर रेफर करो आपको समझ में आएगा कि आप उस लीग में हो या नहीं हो आपको अभी ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो बच्चों आज की कक्षा में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए ड्रॉप लेना है डिसाइड कर लिया है आपने अब डिसाइड करने के बाद बाद एग्जीक्यूशन की बारी आती है एक्शन की बारी आती है अब जो भी आपने सोचा है उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करके हमें पूरे थ्री सिक्सटी फाइव डेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है ताकि मैं 2024 में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊं तो आज की क्लास आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है इसलिए सेशन को फटाफट -फड़ से शेयर कर दो देखो क्लास में आने का आने के बाद पहली चीज जो आप बच्चों को करनी है वो यही करनी है इसको शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करो बिकॉज यू नेवर नो आप किसकी हेल्प कर दोगे एंड आपने सुना ही होगा कर्मा रिफ्लेक्ट बैक जैसे आप आपको तो, आप तो आप बाकी अपने सारे फ्रेंड्स को इतला कर दिया करो कि हमारी बहुत सुपर अमेजिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है इनफ्लिडी लर्न नीट के चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे जो भी क्लासेस हो रही हो ऑल राइट तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं डायरेक्टली जंप करूंगी इस चीज में कि आप कैसे टाइम टेबल बना सकते हो आप कैसे 365 डेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो क्या बातें आपके जहन में होनी चाहिए वाइल्ड मेकिंग योर टाइम टेबल और क्या क्या पैरामीटर्स पे आपको अपने टाइम टेबल को बनाते हुए चलना चाहिए तो बच्चे पहली चीज तो अगर आप अभी भी उस नाव में हो कि यार मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बी वेरी सर्टेन ऑफ इट ड्रॉप लेना आपके रिश्तेदार को आपके पेरेंट्स को, को आपके कलीग्स को आपके टीचर्स को ये सब आपको गाइड कर सकते हैं बट अल्टीमेटली यू आर द वन जिसको उस पाथ को फॉलो करना है यू आर द वन जो आगे आने वाले थ्री सिक्सटी फाइव डे में तपने वाले हो मतलब लिटरली तपने वाले हो हार्ड वर्क मांगता है ये जर्नी ऐसा नहीं है कि हमने बस एक दो सक्सेस स्टोरीज देख ली है जी रैंकर्स जो टॉपर्स है रैंकर्स है बड़ा मज़े कर रहे होते ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों एक एक दिन को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं जो रिजल्ट आप देखते हो कि टॉपर बन गए हैं या सिक्स मार्क्स आ गए हैं वो एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है वो क्यूमलेटिव रिजल्ट होता है पूरे साल का पूरे साल के हर घंटे को कैसे व्यतीत किया है क्या उनकी लाइफ चॉइसेस रही है किसी दोस्त ने फोन करके बुलाया तो उन्होंने यस किया है कि नो किया है क्योंकि उसकी प्रेफरेंस थी फिजिक्स की पढ़ाई करनी तो ये सारी चीजें काउंट होकर के सारी चीजें इकट्ठे होकर के आपका रिजल्ट निकल के आता है तो बच्चे आपको अभी से ही आ, अगर डिसाइड कर चुके हो कि मुझे 2024 में ड्रॉप लेना है यस आई एम वेरी सर्टेन ऑफ इट आई विल श्योरली डू दैट अगर अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि मुझे एक साल अपना और लगाना चाहिए तो आप डेफिनेटली लगाइए और इस बार जो पुराने साल में गलतियां करी है या जो नए बच्चे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम को देंगे बच्चों आपको अभी से ही अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि कि आप उस एक, एक दिन को बहुत अच्छे से पिरो पाए उस फाइनल रिजल्ट में तो जो टाइम टेबल होता है मैं आपको कोई सेट टाइम टेबल नहीं दूंगी मैं चाहूं तो आपको दे भी सकती हूँ राजीवन यस बेटा गुड इवनिंग मैं चाहूं तो आपको एक सेट टाइम टेबल दे सकती हूँ आई विल टेल यू कि आप आठ घंटा पढ़ाई करो उसमें से तीन घंटा फिजिक्स लगाओ तीन घंटा आपने केमिस्ट्री लगानी है दो घंटा बायोलॉजी लगानी है ये सारी बातें मैं समझा सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे अपनी खुद की एनर्जीज को फाइंड आउट करो किस टाइम पे दिन के किस समय में आप सबसे अच्छा फील कर रहे होते हो दिन का कौन सा ऐसा समय है जिसमें आपको लगता है कि मैं मोस्ट एनर्जाइज हूं इस समय मैं जो भी पढ़ाई करूंगा मेरे सबकॉन्सियस ब्रेन में फिट हो जाएगा जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं इफेक्टिवली उस सारे इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल के सारे क्वेश्चन को करेक्टली करने योग्य हूं जिस टाइम पे आपको लगता है तो आपके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनेगा आप हो सकता है मेरे ट्वेल्थ के बच्चे मुझे देख रहे हो हो सकता है मेरा ग्यारहवीं का बच्चा हो जो अभी से तैयारी करना चाहता है वो दो साल का टाइम टेबल बनाना चाहता है हो सकता है मेरा ड्रॉपर स्टूडेंट हो हो सकता है मेरा पार्शल ड्रॉपर स्टूडेंट हो सो बेस्ड अपॉन योर ऑन स्केड्यूल बेस्ड अपॉन योर ऑन कमिटमेंट हम ये टाइम टेबल बनाएंगे टाइम टेबल कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको कुछ बातें समझाती हुई चलती हूँ विनय प्रताप गुड गुड इवनिंग बेटा पहली तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस किस टाइम पे अवेलेबल हो अब जो मेरा ट्वेल्थ का बच्चा है तुमको स्कूल में भी जाना है स्कूल आवर्स के बाद में ही तुम्हारे पास टाइम बचेगा मतलब मॉर्निंग आवर्स में टाइम रहेगा तुम्हारे पास और इवनिंग आवर्स में टाइम रहेगा बिकॉज दिन के कुछ घंटे तो आप स्कूल में व्यतीत करेंगे जो मेरा बच्चा ऑलरेडी किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई कर रहा है आपके पास भी एक डिफाइंड टाइम बचेगा Times में बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी वो क्लास के बाद ही आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा तो पहली चीज तो यू हैव टू माइंडफुली आपको बैठना है और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या अवेलेबल स्लोट्स है आपके पास कौन से स्टडी आवर्स बचते हैं आपके पास में अगर आप इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चे और आपने डमी स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है और साथ में आप कोचिंग जाते हो किसी ऑफलाइन में तो कोचिंग के बाद में कौन सा टाइम आपके पास बचता है है ना मॉर्निंग में कितने घंटे आपके पास बचते हैं इवनिंग में कितना टाइम आपके पास बचता है तो पहली चीज तो आपको अपने हिसाब से फाइंड आउट करना है कि अकॉर्डिंग टू माई ऑन स्केड्यूल मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं वो तीन घंटा भी हो सकता है वो दस घंटा भी हो सकता है बेस्ड अपॉन योर ऑन कंडीशन की आप ट्वेल्थ के बच्चे आप के हो आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो पहली चीज तो आपको अपनी खुद की अवेलेबिलिटी देखनी है फॉर एग्जाम्पल निकल के आता है कि आपके पास आठ घंटा ऐसा बनता है जिसमें कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो यू हैव टू राइट इट डाउन मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि आपको लिखना चाहिए सारी चीजों को बिकॉज लिखने से ना माइंड में ना इनग्रेन हो जाती है भाई मेरी तो पर्सनल हैबिट यही है आज तक है जो भी मेरी टू डू लिस्ट होती है मैं हमेशा एक डायरी को मेनटेन करती हूँ आई ऑलवेज राइट इन दैट डायरी मॉर्निंग में उठते ही मुझे लिखना होता है

जब आपने देख लिया कि हाँ मेरे पास इतना टाइम बचता है अब इलेवेंथ का बच्चा हो चाहे ट्वेल्थ का बच्चा हो चाहे ड्रॉपर हो आई एम वेरी सर्टेन ऑफ दिस थिंग कि आपको ये तो पता होगा कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगाना है आप फुल्ली अवेयर हो इस चीज को लेके भी कि अब जो एग्जाम पैटर्न है उसमें दो सेक्शन आते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन सेक्शन बी टोटल मिला के मेरे 50 क्वेश्चन होते हैं 35 सेक्शन ए में जो कंपलसरी होते हैं सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से मुझे 10 क्वेश्चन करने होते हैं मेरे पास चॉइस होती है आई हैव टू डू 10 क्वेश्चन टोटल so, 45 क्वेश्चन आपने करने फुल चैप्टर 97 है बायोलॉजी में कितना है फिजिक्स में कितना है केमिस्ट्री में कितना यू नो इट वेरी 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 वेल तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पता है आपको अपने टॉपिक्स पता है इस पे मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे इतना तो सीरियस है कि उन्हें अच्छे से पता है कि फिजिक्स में मुझको इतने टॉपिक्स लगाने हैं केमिस्ट्री में इतना बायोलॉजी में इतना नाउ जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है फिजिक्स को भी केमिस्ट्री को भी बायोलॉजी को भी बायोलॉजी को भी आप सेग्रीगेट कर लो बॉटनी एंड जोलॉजी में तो आप मान के चलो कार के चार पहिए चारों पहियों को इक्वल चलाना पड़ेगा तभी जाकर के आप फाइनल मंजिल तक पहुंचेंगे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो एक्सेस में बायोलॉजी को टाइम देते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स को बहुत ही कम टाइम देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरी फिजिक्स बहुत ही कमजोर है मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती है तो एक्सेस में टाइम फिजिक्स को दे देते हैं बायो और केमिस्ट्री को नजरअंदाज करते हैं दोनों ही अप्रोच बेकार है आपको चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है किसी को भी कम या ज्यादा नहीं देना है क्योंकि एग्जाम में चारों बराबर आएंगे उतना ही बॉटनी आएगा उतना ही फिजिक्स आएगा उतना ही केमिस्ट्री उतना ही जोलॉजी आएगा तो आपको अब जो आप टाइम टेबल बनाने बैठ रहे हो सारे सब्जेक्ट्स को अपने चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिवोट करो फिजिक्स को भी केमिस्ट्री को भी बॉटनी को भी एंड जोलॉजी को भी तो अपने सब्जेक्ट्स अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है आपको एलोकेट करना है स्टडी टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट जैसे अब ये डिफरेंट हो सकता है बच्चों के लिए मैंने कहा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है तो अपने क्लासेस के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लो बेसिकली मॉर्निंग आवर्स को आप यूटिलाइज करो कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है छे से सात बजे के बीच में ये कुछ बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है बच्चों मैं तुमको साढ़े तीन बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने को नहीं बोल रही हूं मैं कह रही हूं कि तुम मॉर्निंग में उठ जाओ छह से सात के बीच में ताकि मॉर्निंग में कम से कम आप एक सब्जेक्ट को पिक कर पाओ तीन से चार घंटा एक सब्जेक्ट लगा पाओ अब वो सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ो साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ मॉक टेस्ट पेपर लगाओ ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट शुड बी केटर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली जैसे कुछ बच्चे मॉर्निंग में उठ के एकदम सुपर एनर्जाइज्ड एनर्जाइज फील कर रहे होते हैं तो अगर आप सुपर एनर्जाइज हो इस मॉर्निंग वाले आवर में तो अपने बायोलॉजी को टाइम दे दो बायोलॉजी को फिक्स कर दो कि सुबह उठते के साथ मेरे को बायोलॉजी पढ़ लेनी है क्योंकि आपको मॉर्निंग में एक सेशन लगाना है उसके बाद आफ्टरनून में सेशन लगाना है इवनिंग में सेशन लगाना है एंड नाइट में रिव्यू जरूर करना है कि मैंने जो डिसाइड किया था आज मॉर्निंग में एम आई केपेबल टू फुलफिल ऑल टॉपिक्स और नॉट एम आई कैपेबल टू कंप्लीट ऑल टॉपिक्स और नॉट ये चीज आपको नाइट में इंश्योर करके ही सोनी है प्लस रिवाइज भी करके सोना रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि दो तीन घंटा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिवाइज का मतलब ये है कि आप ऊपर से अपनी आंखों के आगे से निकाल रहे हो कि यार मैंने आज मॉर्निंग में मैम ने प्लांट किंगडम पढ़ाया था अच्छा एलगी में ये, ये टॉपिक्स पढ़ाए थे मैम ने आपने एक बार आंखों के आगे से निकाल दिया अच्छा मैम ने ट्वेल्थ में भी मल्क्यर बेसिस कराया था डीएनए पैकेजिंग कराया था ये टॉपिक्स थे निकाल दिया आपका लग सके तो आपको मेक श्योर sure करना है सोने से पहले आप एक बार अपनी नजरों के सामने से निकाल रहे हो सारी चीजें कि मैंने क्या-क्या पढ़ाई करी है आज का प्रोडक्टिविटी क्या है डेली बेसिस की प्रोडक्टिविटी ही तो ऐड होके फाइनली फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी अगर अभी आपका डेली बेसिस इतना प्रोडक्टिव नहीं है तो फाइनल रिजल्ट भी वैसा ही देखने को मिलेगा ठीक है तो यू हैव टू मेक श्योर वट एवर योर टाइम टेबल इज वट एवर योर स्टडी शेड्यूल इज कि आप ड्रॉपर हो आप इलेवंथ का बच्चा हो आप ट्वेल्थ का बच्चा हो स्कूल जाना है कोई भी कमिटमेंट क्यों ना है कोचिंग जाना है स्कूल जाना है ऑनलाइन पढ़ाई है सबको साइड में करके आपको मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ये तीन चीजें ये तीन टाइम पे ज़रूर अपने सब्जेक्ट्स को आप फिक्स कर लो कि मुझको फिजिक्स पढ़ना है आफ्टरनून के टाइम पे जब मैं बहुत एक्टिव फील कर रहा होता हूँ मुझे इवनिंग में जब मैं थोड़ा सा लथार्जिक हो जाता हूँ मैं केमिस्ट्री को वो टाइम डिवोट कर दूंगा बिकॉज केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों का एमलगमेशन है हाफ हाफ सा मुझे लग रहा होता है और मैं ईजी गो वे में इसको कर लेता हूँ बट मैं नाइट को रिव्यू जरूर करूंगा कि मैंने कितना कितना टाइम डिवोट किया उसका क्या क्या रिजल्ट निकला सोचने से कुछ नहीं होगा एक्शन में कन्वर्ट करने से होगा ठीक है तो आपको स्टडी टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को देन यू हैव टू क्रिएट ए बैलेंस्ड स्केड्यूल है ना ये नहीं है कि आज का दिन आज वेन्सडे पूरा दिन बायोलॉजी को डिवोट कर दिया थर्सडे को देख लेंगे फिजिक्स को फ्राइडे को देख लेंगे केमिस्ट्री को आपको एक बैलेंस्ड स्केड्यूल बनाना पड़ेगा बिल्कुल भी बायस्ड मत हो आप ये सोचो अगर आप ड्रॉपर के भी बच्चे हो अगर आपका ये फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप है तो भी आप ये सोचो जो भी मैंने पढ़ा है वो सब बेकार है तभी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अगर यही चीज मन में रखोगे कि यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है तो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे आप सोचो जो पढ़ा था वो बेकार था इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है तो मुझको एक बैलेंस शेड्यूल बनाना है जिसमें बॉटनी जोअलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री चारों सब्जेक्ट्स को मैं इक्वल वेटेज देता हूँ चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिवॉट करते हुए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है एक बैलेंस शेड्यूल मैंने बनाया है मॉर्निंग का आवर मैंने बायोलॉजिकल रख दिया है आफ्टरनून मैंने फिजिक्स के लिए एंड इवनिंग मैंने अपनी केमिस्ट्री को डिवोट करते हुए रख दिया है तो एक बैलेंस्ड स्केड्यूल आपका होना चाहिए देन मूविंग ऑन टू इंक्लूड द ब्रेक्स अच्छा अब जब मेरी बात सुन के ना मैं हर साल ये चीज देखती हूँ अपने बच्चों में मेरी बात सुनते हैं बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कॉमेंट्स करते हैं मैम बड़ा अच्छा लगा जबरदस्त मोटिवेशन आ गया पूरे एक साल का मैंने स्केड्यूल बना दिया है और अब तो देखो मैं अफोर्ड के रहूंगा अब तो देखो ये यार वन रैंक मेरी है, है ना तो ओवर uh, इमोशनल मत हो जाओ ठीक है एक साल का स्केड्यूल बनाओगे सात दिन फॉलो करोगे आठवें दिन तहस नहस हो जाओगे कहोगे यार इतना सब पढ़ना पड़ रहा है छोड़ो यार भाड़ में गया तो ये होता है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन ठीक है तो बच्चे आप इतना लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म ही सोच के चलो आप एक वीक का एट मैक्स एक मंथ का ही टाइम टेबल बनाओ मैं कहूंगी एक वीक का ही टाइम टेबल बनाओ एंड मेक श्योर थोड़ा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ ब्रेक्स को इंक्लूड करो कि मुझे घंटा पढ़ाई करनी है उसके बाद दस पंद्रह मिनट मुझे ब्रेक टाइम भी चाहिए जिसमें मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ थोड़ा हाइड्रेट कर रहा हूँ थोड़ा खाना खा रहा हूँ थोड़ा फ्रेंड से भी बतिया लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक चीज के लिए आप उसमें टाइम रखो तो ब्रेक्स को जरूर इन इंक्लूड करो ऐसे अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लोगे जो प्रैक्टिकल वे में जीरो होगा कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है लास्ट तक टाइम टेबल ही बनाते रह जाओगे कि भाई अब चार महीना बच गया फिर से टाइम टेबल बनाते हैं अब बज गया टाइम टेबल थर्टी डेज में भी टाइम टेबल बना रहे होते हैं बच्चे तो अभी से जो टाइम टेबल बनाओगे उसको रियलिस्टिक बनाना है उसमें ब्रेक्स इंक्लूड करने हैं एक घंटा तुमने पढ़ाई करी पंद्रह बीस मिनट का ब्रेक ले लिया फिर एक घंटा पढ़ाई करी फिर पंद्रह बीस मिनट का ब्रेक ले लिया इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन है ना आप क्या करते हो आप पढ़ते चले जाते हो रिवाइज नहीं करते हो जो आप पढ़ते हुए चले जाते हो रिवाइज नहीं करते हो उसका बहुत ही बेकार इंपैक्ट होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहता है जब तक कि रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा एक सिंपल सी चीज फॉलो किया करो जो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आ, लेट से आपने फर्स्ट टाइम आज लिविंग वर्ल्ड की पढ़ाई करी आपने पहला टॉपिक पढ़ाई करा सेकेंड टॉपिक पढ़ाई करा नेक्स्ट डे जब आप थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे तो मेक श्योर फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक को आप रिवाइज करें उसके बाद आप थर्ड टॉपिक पढ़ें थर्ड डे पे जब आप फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे तो मेक श्योर sure आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपिक को रिवाइज करें उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें उसके नेक्स्ट डे यू है और फिर फिफ्थ टॉपिक आपने पढ़ाई करी तो इससे क्या होगा पांच दिन लगातार जब आपने एक्सरसाइज करी तो फर्स्ट डे पे जो आपने पढ़ाई करी थी उसको रिवाइज करने में आपको हार्डली हार्डली टेन मिनट्स लगेंगे सेकेंड डे वाले को एट मैक्स फिफ्टीन मिनट्स लग जाएंगे थर्ड डे वाले को ट्वेंटी मिनट्स लग जाएंगे तो जब आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते हुए चलोगे पुराने वाला तो आपको ये डिफरेंस महसूस करोगे कि यार जो पहले पढ़ाई करी थी वो तो मेरे को एकदम टिप्स पे आ गया अब तो मुझे उसको रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं है तो डेली बेसिस पे नया भी पढ़ो और पुराना भी रिवाइज करो दोनों को इक्वल वेटेज दो तो। ऐसा नहीं कि बस नया पढ़ लिया पुराना गया भाड़ में नया पढ़ते जा रहे पुराने वाले को छोड़ते हुए जा रहे मैम नया पढ़ रहा हूँ पुराना भूलता हुआ जा रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए नया भी पढ़ो पुराना भी रिवाइज करो जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको टिप्स पे याद होगा उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे तो रिविजन इज वेरी नेसेसरी देन मॉक टेस्ट पेपर बच्चों है ना अभी जब आप अपना स्केड्यूल बनाओगे अपना टाइम टेबल बनाओगे तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आपको ना अभी से मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए लास्ट के लिए मत वेट करो जब दिसंबर आ जाता है जनवरी आ जाती है तब आपको लगता है कि यार अब मॉक टेस्ट पेपर लगाना शुरू करते हैं अब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते हैं अब प्रिवियस क्वेश्चन लगाते हैं ऐसा बिल्कुल भी मत करो अभी से ही शुरुआत कर दो लास्ट में ना वो सब कुछ करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूं कि मौ, मैं मॉक टेस्ट पेपर लगाऊं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगूं मैं क्या करूं इसीलिए बच्चों अभी साथ के साथ फॉर एग्जांपल एक चैप्टर पढ़ाई करी आपने प्लांट किंगडम उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को आपने लगा लिया प्लांट किंगडम के आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा लिया तो साथ साथ में टेस्ट करते हुए चलो लास्ट के लिए मत छोड़ो इस चीज को है ना लास्ट का काम तो भागदौड़ वाला काम होता है वो उतना अच्छा कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा तो साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलो जितना क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना आपको टॉपिक भी उतना ही बेहतर आपको समझ आता हुआ चलेगा तो मॉक टेस्ट पेपर साथ साथ लगाने हैं उसका भी आपको आ, एक टाइम स्लॉट जरूर रखना है एक चीज मैं आपको बता देती हूँ एक दिन में कोई भी डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं, नहीं मिलेगा आप कंसिस्टेंटली क्लासेस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम जो बताती है वही प्रीवियस होते हैं वही से ही पेपर आपका बन रहा है तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड द मोस्ट कंसिस्टेंसी इज वट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इंटू द एक्स Excellence. कि आप आप अगर एवरेज बच्चे भी हो तो आप बन जाओगे। आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है आपको डेली बेसिस पे अपने इनपुट्स देने की आवश्यकता है रोज 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 जरूर 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 पढ़ाई करो तबीयत खराब हो कहीं शादी में जाना है कोई फंक्शन है कुछ भी क्यों ना हो यू हैव टू शो अप ऑन डेली बेसिस जितना आप शो अप करेंगे उतना ही अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे तो बच्चे आपको मेक श्योर sure करना है कि आप कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में एक दिन खूब पढ़ाई कर ली अगले दिन आ, सो रहे हैं आराम से बेड के ऊपर अगले दिन टीवी देख रहे हैं चार चार घंटा ऐसा नहीं करना है पूरे साल निरंतर प्रयास करना है एक दिन भी ऐसा लूज एंड पे आपको नहीं छोड़ना है कि आज तो

स्लीप हाँ, डिप्राइव्ड हो जाते हैं जो बिल्कुल ही सेल्फ केयर को भूल जाते हैं लगे रहते हैं स्पेसिफिकली गर्ल्स से मैं कंप्लेट सुनने को मिलती हूँ कि uh, मुझे कंप्लेन सुनने को मिलती है कि चार दिन पढ़ाई कर ली मैम अब मुझे माइग्रेन फील हो रहा है मुझे हेड होने लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने इतना ज्यादा ऐसे पढ़ाई करी मेरे को सर्वाइकल होना शुरू हो गया है गर्दन के ऊपर तो ये सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल बचे दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ कि आपको डेली बेसिस पे अपना सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना प्रॉपर स्लीप लेनी है फॉर श्योर प्रॉपर खाना खाना है फॉर श्योर है ना ये चीजों को कॉम्प्रोमाइज़ करें आपकी अच्छी स्लीप होगी अच्छा फूड होगा चिड़चिड़े तो तो हो, हो, like तो हो जाते हैं ना हम या सो नहीं पाते हैं दो दिन भी अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हुई तो कैसे अजीब सा हमारा बिहेवियर हो जाता है तो वो अजीब बिहेवियर नहीं अपने माइंड की फुल एनर्जी के साथ में अपने बॉडी की फुल एनर्जी के साथ में हमें पढ़ाई करनी है किया दो दिन का काम नहीं है ये पूरा एक साल भर हमें करना है तो जो चीज सस्टेनेबल हो जिसको कंसिस्टेंटली कर पाओ जिसको डेली बेसिस पे करते वक्त आपको जोर ना पड़े वो चीज करनी है एक दिन पूरे रात पढ़ लिए एकदम आ, सुपर हाई एनर्जी में और नेक्स्ट डे बिल्कुल ही धाराशाही होकर पड़े हुए ऐसा नहीं करना है रोज डेली आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने इट्स योर कंसिस्टेंसी व्हिच विल पे ऑफ ठीक है बच्चे तो आपको अपने टाइम टेबल में मेक श्योर यू हैव टू मेक सम स्पेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग सोने का भी खाने का भी अगर आपको कोई स्पोर्ट्स uh, पसंद है उस खेल का भी हर एक चीज का आपको टाइम उसमें डिवोट करते हुए करना है क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज भी करते हो ना जितना फिजिकली आप फिट हो उतना बेहतर आप मेंटली भी फिट करते हो मेंटली फिट फील करते हो जितना मेंटली फिट फील करते हो उतना ही मान लीजिए कोई टॉपिक में एक घंटा लग रहा है उसको आप फिफ्टीन मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे है ना तो विल मेक द डिफरेंस हो कितना आप मेंटली अच्छा फील कर रही हो उस पर भी बेस करती है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिजिकली मेंटली प्रॉपरली फिट हो राइट right, बच्चों तो टाइम टेबल के लिए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है कि एक प्रैक्टिकल एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है पहली चीज तो ये दूसरी चीज आपको शॉर्ट इंटरवल्स उसमें इंक्लूड करने हैं उसमें आपको सेल्फ केयर भी इंक्लूड करनी है ब्रेक्स भी इंक्लूड करने हैं सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद ही टाइम टेबल बनाना है बी रियलिस्टिक वन चार दिन फॉलो करने वाला नहीं पूरे साल फॉलो करने वाला टाइम टेबल आपको बनाना है ठीक है बच्चों चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टुमोरो आज बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं आप प्ले में जाकर के पढ़ सकते हो उसको एलगी कंप्लीट कर चुके हैं हम डीएनए पैकेजिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं ये दोनों टॉपिक्स आप जाकर के जरूर देख लो प्लेलिस्ट के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को हिट कर लो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे टुमोरो एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो त्रस्त मत हो परेशान मत हो खुश रहो बाय एवरी वन गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल बाय